लस्सी को तो गर्मियों की सौगात बोला गया है, लेकिन आज मैं आपको लेके जा रही हूँ मेरठ की 117 साल पुरानी ऐसी दुकान पे जहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत के जनरल तक आके लस्सी पिया करते थे। सो चलिए देखते हैं कैसी उन वर्ल्ड की यूनिक मेकिंग और क्या है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी दही के जो बर्तन है वो जमा के रखे हुए हैं, बहुत ही बड़ी शॉप है। भाई अभी क्या डाल रहे हो इसमें? दही है जी, ये बनेंगे जी 25 से 30 गिलास। 25 से 30 गिलास एक साथ बनते? जी 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 हाँ, एक साथ ही बनता है। मुझे बताइए जो दही है जो इतनी अच्छी जमी हुई है, ये कौन से दूध से मतलब बनाई जाती है? भैंस के प्योर दूध से होती है। ये हल्का सा नमक लगाते हैं लस्सी में। नमक तो मैं पहली बार देख रही हूँ मीठी लस्सी में। ये लस्सी में मीठा क्या में खोलने के लिए लगाते हैं थोड़ा। अच्छा, और ये क्या डाल रहा है इसमें? ये क्या में दूध है जी। तो ये बर्फ डाल रही है एकदम चिल्ड, इसमें यहाँ पे लस्सी बनने वाली है। हाँ जी, ये सुबह 6 बजे से जो स्टार्ट होता है रात को 12 बजे तक रहता है। लस्सी के चाहने वाले रात को भी आते हैं? लस्सी के चाहने वाले तो हमारे पास क्या में सारी रात भी बैठे, तो कस्टमर है हमारे पास। ये क्या मोटर से काम करती है? ये मोटर है, इसमें कम से कम एक लोटा बनने में 10 मिनट का समय लगता। ये उसी जमाने के क्या बर्तन है जी हमारे, हमें तो ये जैसे मिले उसी तरीके से इस्तेमाल करते। तो ये बर्तन भी 100 साल पुराने? हाँ ये बर्तन भी। तो मुझे सबसे पहले बता दीजिए आपका नाम क्या है? मेहताब अली मैम, हमारी दुकान सन 1909 से है, आजादी से पहले ही दुकान है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने की। क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं। लस्सी 1 सेकंड में लोग एक बार चाड़ के बना देते हैं? वो घर में लस्सी नहीं होती, मट्ठा होता, ये लस्सी होती। अच्छा जी, वो मट्ठा है, ये लस्सी है। वेलकम के नाम से मशहूर है हमारी दुकान। ये देखो ये बर्तन जो हमारे 116 साल पुराने बर्तन है ना, उनसे निकाला जा रहा है जग में। और गाड़ी देखो कितनी गाड़ी लस्सी है, इतनी गाड़ी लस्सी ना आपको पूरे दिल्ली NCR मेरठ कहीं नहीं मिलेगी जो कि यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे लस्सी के ग्लास लगने जा रहे हैं। भाई यहाँ पे जो लस्सी की दीवानगी है ना वो बिल्कुल अलग लेवल की है। तो ये देखो ये छन्नी का इस्तेमाल करा जा रहा है ताकि कोई बीच में झाग ना पाए। सब में चम्मच क्यों रखा जाता है? मावा होता, मलाई होती, बादाम होती, तो उसे क्या खाने के लिए स्पून का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब क्वालिटी बहुत तगड़ी है यहाँ? जी हाँ जी हाँ। तो प्योरिटी तो है ही यहाँ पे, साथ के साथ मुझे एक चीज और लग रही है कि यहाँ पे क्वांटिटी भी है। तो मतलब ग्लास जो है वो पूरा भर के मिल रहा है। वही लस्सी आपकी ऐसी है ना कि इसे देख के मुंह में पानी आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी बनती हैं जिन्हें देख के लगता है कि यार ये जल्दी से शूट और उसके बाद से पीने का मौका मिले या खाने का मौका मिले। तो कुछ ही चीजें होती हैं जिसमें ये भी है। तो ये देख सकते हो भाई एक साथ कितनी सारी यहाँ पे लस्सी बनाई जा रही है। ये 3 गुल्लड़ आपके। तो भाई देखो हम दिल्ली से मेरठ आए इतनी दूर से भी लस्सी पीने के लिए। दिल्ली के बहुत कस्टमर है जी हमारे। और ये डाला जा रहा है इसमें मावा। तो मुझे बताइए जो मावा होता है ये भी प्योर होता है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल प्योर होता है और अपना कर्म बनाया हुआ होता है। अंग्रेजी हुकूमत में जनरल वह करते थे जो वो पीने आते थे, और नवाब, एक नवाब साहब होते थे नवाब छतरी, वो भी यहाँ लस्सी पीने आते थे उस जमाने के। ये बहुत ही पॉपुलर आदमी थे मतलब। तो बादाम भी डाले जा रहे हैं? जी हाँ बादाम, कस्टमर की पूरी सेहत का ख्याल है यहाँ पर। तो मतलब तभी मेरठ के लोग हैं जो वो अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं यहाँ की लस्सी पी पी के। जी जी भाई, ये देखो क्या भर भर के यहाँ पे मावा डाला जा रहा है, पूरा ग्लास भर दिया गया है। 116 साल पुरानी लस्सी बन के तैयार हुई, पूरे मेरठ शहर में नहीं मिलेगी। मेरे हाथ में कुल्हड़ वाला ग्लास 50 रुपए इसका रेट रहता है। तो इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि भाई इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। ये देखो ये है इसमें मलाई और उसके नीचे है पूरा मावा भरा हुआ। तो भाई इसको जल्दी से टेस्ट करना तो बनता है। सो अगर बात टेस्ट की करें ना, टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार है, क्रीमी है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं लस्सी पी रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रीमी सी चीज खा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा टेस्टफुल है, फ्लेवरफुल है। बिल्कुल घंटा घर के नजदीक थाना तेली गेट के साथ, टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक, 2 छुट्टी रखते हैं, एक ईद एक बकराईद। मैं आपको फुल ऑन रिकमेंड करूंगी कि अगर मेरठ आ रहे हो या इस वे से जा रहे हो तो यार ये लस्सी जरूर ट्राई करें, क्योंकि मैं हूँ लस्सी लवर, मैं तो ऐसे 2-3 गिलास पीने वाली हूँ। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इसको एक बार आके यहाँ पे जरूर ट्राई करें। मैं यहाँ पे इंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। ट्रेंडर हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ लेना है तो मैं इतना खाते रहिए।